बताइए कहाँ बिजी हैं आजकल, इतने अरसे से गायब थी आप। आपकी जो फैंस है वो तो तरस रहे थे आपको देखने के लिए। ये जब दोबारा काम स्टार्ट किया तो फिर बहुत काम किया ज़िंदगी में, 24 साल थिएटर में इनके साथ काम किया, फिल्म इंडस्ट्री में काम किया, मैंने 375 मूवीज़ में काम किया है। मुझे लगता है ड्रामों की तो मैं शायद गिनती ही नहीं कर सकती, ड्रामे तो अनगिनत हैं, माशाल्लाह अनगिनत ड्रामे हैं, और इसी तरह बाहर की शोज़ हैं, टीवी शो है, तो तीनों शोबों में काम किया। फिर आखिर बंदा थक भी जाता है, और फिर मैंने शादी कर ली, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े सुकून में हूँ, बड़ा अच्छा घर चल रहा है माशाल्लाह। आपको पता है फनकार जो है वो फारिग बैठ नहीं सकता, ऐसी है। मेरी वालिदा का अपना सैलून था तो पार्लर का काम तो मुझे आता था, फिर कुछ अरसा जब मैं कनाडा में रही वहाँ पे भी मैंने कोर्सेज किए, तो मैंने ये सोचा कि अगर बिजी ही रखना है अपने आप को और मैं लोगों के साथ मेरा वो रहे भी, रابطہ भी रहे, तो मैंने अपना सैलून ओपन किया से 8 साल पहले। आपने ये बात भी अच्छी की कि फनकार फारिग नहीं बैठ सकता जी, जिस दिन चाचा फारिग होता है कड़की में हाथ देके बैठा रहता है। चाचा मैं हुआ चूहा फनकार हुआ। अच्छा नरगिस जी, आप इतना अच्छा मेकअप करती हैं, बाज दुल्हन दूसरे दिन पहचान ही नहीं की जब उन्होंने मुंह धोया। एक घर में तो झगड़ा हो गया कीड़े, सुबह सुबह दूल्हा ने शोर डाल दिया कि ये देखो नुकरानी मेरी बीवी के जेवर पहन के फिर रही है, झगड़ा हुआ। सास ने कहा इधर आओ, ये वही है रात वाली, मुंह धो लिया है। वो तो आप किसी ने भी मेकअप किया हो मुंह धुलवाएं तो फर्क तो आता है ना, ये बस मर्द हैं ये ऐसे ही बातें करते हैं, आपको पता है। और चलते लेकिन नरगस जब आप मुंह धोती हैं तो पहले से ज्यादा खूबसूरत हो जाती हैं आप, चाहते हैं क्या बात है। बाबा की जो बातें ना, इसी बहाने ने आपका मुंह धुला देना है तो मैं इतनी कच्ची नहीं, मैं इनकी बातों में आ जाऊं, आप तो इनको आज जानती है, मैं इनको 20 साल से जानती हूं। पुराने हैं हम। हाँ पुराना बाबा ते पुराना चावल। ये तैनू नहीं जो पंजाबी आंधी दे क्यों हाथ पा नहीं बात कर रहे हो। अच्छा जी मुझे ये बताइए थिएटर पर नरगिस, सॉरी मैं थिएटर की आर्टिस्ट हूँ, रिएक्ट करना मेरी मजबूरी है। नहीं नरगिस जी आपने मुझे जो कहना है कह देना। नहीं मैं आपको कह नहीं ना सकती, इज्जत की जगह आप हमारे बुजुर्गों की जगह। शो का जो होस्ट होता है ना वो शो का बुजुर्ग होता है। नहीं, समझ गए, ऐसी पागल चौधरी जी नहीं पढ़ते ऐसे। ये तो मर्द हैं, इनके मर्दों के बाल झड़ जाते हैं और ये हाल हो जाता है। वैसे माशाल्लाह जितनी आपकी एज है अगर औरतों के बाल झड़ते तो मुझे लगता है आपकी भी ये सेंटर वाली मांग इतनी चौड़ी होती है। रमेश कुमार साहब कहाँ बिजी हैं, कैसे हैं, क्या हो रहा है आजकल लाइफ में? बिल्कुल ठीक, शुक्रिया कि आपने आज इस अच्छे एंटरटेनमेंट प्रोग्राम में मुझे मधु किया, और इतने खूबसूरत आपके जो लोग हैं उनके साथ लाइव बैठने का मौका मिला। किस हाल से आप इनके मुतासर हो के आपने इनको खूबसूरत कहा है, किस दिल जिगर गुर्दे से कहा है? आप ये नहीं समझे कि जो मेकअप लगा कर आए हैं जिसकी सूरत अच्छी हो अंदर से अच्छा होना चाहिए, हो सकता है आपसे वो अच्छा हो। वाह 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 वाह। अच्छा ये बताइए नून लीग में इतनी बुराइयां हैं, ये उनके ऊपर बुरा वक्त आया तो आपको दिखी, उससे पहले आपको नजर नहीं आई? मैं क्यू में भी रहा, नून में भी रहा, अभी पीटीआई में भी हूँ, मगर कभी भी आप ये नहीं कहेंगे कि इस बंदे ने कोई गलत काम किया है, कोई करप्शन या किसी के साथ बदतमीजी या ये वो। करप्शन आपने क्यों नहीं की? आपको हालात ने मौका नहीं दिया या फिर कभी किसी ने साथ नहीं दिया आपका इस काम में? फिजा अगर इस दुनिया में आने के बाद अगर आदमी सोच ले कि मैं मिट्टी से आया हूँ और मिट्टी में ही जाऊँगा तो मैं समझता हूँ उसकी सोच कभी इस तरफ नहीं जाएगी, और उसका यही होगा कि मेरे नसीब में खुदा ने जो लिखा हुआ है वो ज़रूर मिलेगा। एतमाद खुदा के ऊपर नहीं होगा तो वो इधर भी हाथ मारेगा उधर भी हाथ मारेगा। मैं हमेशा ये कहता हूँ इज्जत जो है वो कुर्सी के बैठने के ऊपर नहीं मिलती है, इज्जत जो मिलती है आदमी के इखलाक से मिलती है। चाचा समझ आ गया। सर ये बताइएगा कि आपको ये कैसे पता चल जाता है कि ये हुकूमत आने वाली है और ये जाने वाली है और आप बड़ा टाइम से उस पार्टी से निकल जाते हैं? खैर किसी को मालिक को अगर चांस देना होता है तो वो मुझे कहता है आप नेक इंसान हो उधर जाओ, जब मैं गवर्नमेंट की जरूरत हूँ और गवर्नमेंट मेरी जरूरत है। क्या बात है डॉक्टर साहब। वैसे मैं एक बात आपको बताऊँ जी, मुझे आज ये पता चला है कि पाकिस्तान में कोई 5-6 लोग ही नेक हैं, आप हो गए, फवाद चौधरी साहब हो गए, डॉक्टर बाजी क्योंकि हुकूमत जिसकी मर्जी हो ये लोग हुकूमत में रहते हैं।
आप अच्छे बंदे हो, मगर मुझे यार दुख हुआ कि आपने मुझे जाके फवाद और फिरदौस के साथ कंपेयर किया है। तो इनको भी हंसी आ रही है, इसे कंपेयर नहीं करें। अच्छा, अगर आपके मियाँ साहब आपसे खाना मांगे कि जल्दी जल्दी खाना लेकर आओ मुझे जल्दी है, तो आप उनको खाना जल्दी से बना के दे देती हैं या फिर उनको कहती हैं कादी जल्दी है, कुछ झुकता दे देती है उनको? नहीं, उनको जवाब नहीं देती ना। घर में कॉमेडी करती हूँ, घर में एक वो सलीके वाली औरत वाला रोल अदा करती हूँ। बीवियां जिन्नियां मर्जी शुगलियां होन, खावन वास्ते संजीदा ही होंदी है। खावन वास्ते संजीदा होना पैंदा। चंगी भली घर च हासे वाली गल पता किवें उदों रिस्पोंस देने? तुहानू बड़े हासे सुझे ने, मेरे को पुछ के मैं घर चलाण डई हासे सुझे। चाचा तो इतना खुआर रहता है, बाबा तू भी इतना खुआर है, क्यों ना फलियां साइड पर रख के तो चुनी ले उनमें से मटर कट लिया कर। कट लिया करा फिर तू पका लिया कर। वैसे आप उर्दू में लड़ना हो तो आप कैसे लड़ती हैं? मैं? हाँ जी। हम लोग लड़ते क्या है, मुझे लड़ना ही नहीं आता। उर्दू बोलने वाली खातूनों की लड़ाई थोड़ी और तरह होती है, आपको पता, सीधी लड़ते हैं। उर्दू वालियां कह रही हैं, देखिए मेरी बात सुने, आपकी मेरी तलाक होने वाली है, ये चार बच्चे हैं हमारे, दो आप रखे दो मैं रखती। पंजाब में जो औरतें होती हैं वो कैसे लड़ती है जरा बताइए ना। वो उर्दू वालों की तरह लंबी बात नहीं करती कि दो तुम रख लो दो मैं रख लेती हूँ, नहीं नहीं नहीं, सीधी बात करती है, चार बच्चे ने साढ़े वेखी तुम्हें इतने करना कि मल्ले च पहले मैं लाऊंगी अपने बच्चों अग, फिर मैं लाऊंगी अपने आप फिर मैं कराऊंगी तेरे परचा, फिर तू वेखी आखिरी नजरी बयान का पता ही मरण वक्त तेरे खिलाफ बयान दे। बिल्कुल वही बातें कही जो चाचे की बीवी ने मरते वक्त कही। अच्छा, वैसे आपको शर्म नहीं आती इनको चचा कहते हुए? शर्म आती है, कई लोग मुझे कहते हैं ताया कहा करो, मगर मेरी जबान पे चढ़ गया चाचा। यकीन करें फिजा, इनका जो बड़ा बेटा है ना वो इनकी उम्र का है। ये बताने आई हो तुम इतनी दूर से प्रोग्राम में है? होर ताडा कटिया फ्रूट खाण आई? वो भी शौक पूरा हो जाएगा, बस दो चार कड़ियां रह गई। आप कभी वोट लेने के लिए बिरयानी या कीमे वाले नान किसी को बांटे? इन चीज़ों की इतनी अहमियत नहीं होती। मैं समझता हूँ अगर वोट जो लोग इन बिरयानी इन पैसों इनके ऊपर जब देते हैं तो उनका वोट ज़मीर का नहीं होता, वो बिकाऊ लोग होते हैं। आप ठीक बात करें डॉक्टर साहब, मगर हमारा चाचा जो है ना वो ये नहीं देखता कि उसका ज़मीर मुतमईन हो, वो ये देखता है मेरा मैदा मुतमईन हो बस। नहीं, मेरे मैदे की कड़ी गल है? मियाँ साहब आप कहते हैं बिरयानी लो वोट को इज्जत दो। बात तो ठीक है रे। वो वक्त चला गया, आप पूछे इस बच्ची से कि अब ऐसे वोट देगी? डॉक्टर साहब ये तो वैसे भी वोट नहीं पाएगी, यहो जियाँ बच्चियाँ इलेक्शन तो एक रात पहले नारे मार रही होंगे फलाना जितेगा फलाना जितेगा, तो सुबह वोट पाण वेले घर सुतियाँ पईयां होंदियां। एक दफा हमारे महल्ले में एक बुजुर्ग फौत हो गए, ते तू क्यों नहीं होन डया? मैं ते तेरा इंतजार कर रहा था कि इको पैकेज दोवें भरा चले जाएंगे। शरीफ आदमी है, मेरी वजह से अभी आप भी लित्र खांदा फिरेगा, अपनी कन्वेंस लैदा ही रख। वो कहते हैं कि बड़े जो उम्र वाले होते हैं उनसे तजर्बा जो ना उनके एक्सपीरियंस से कुछ सीखा करो। कहीं इनसे तजर्बा ना ले लीजिएगा प्लीज। डिक्टेशन तो नहीं लूंगा ना, मुझे जो समझ में आएगा वो मैं कहूंगा। सेकंड है डिक्टेशन तो उन्होंने मुशर्रफ साहब दी नहीं ली। वेलकम बैक, यू वाचिंग तारों से करें बातें। अच्छा, आप बता रही थी अपने स्ट्रगल के बारे में कि शोबिज इंडस्ट्री में आप आई कैसे हैं, पहला प्रोजेक्ट कौन सा था, ब्रेक थ्रू क्या था? मैंने 92 में स्टार्ट किया था और पहली फिल्म मेरी थी प्रेम कैदी, जिसमें साथ ये भी थे मेरे, और लेकिन कुछ मसलों की वजह से वो फिल्म बंद हो गई। तो वो फिल्म आपको मिली कैसे? बस रास्ते में पड़ी थी, मिल गई। अच्छा नरगिस जी, सुना है आपने अदाकारा बनने के लिए बड़ी मार खाई है, बड़ी नींद की गोलियां खाई हैं, क्या ये सच है? जी इतना पुराना सवाल आपको कहां से याद आ गया, अब तुम बीते हुए जमाना होते। वो मार भी भूल गए, वो गल्ला भी भुलाना पड़े। हमारे सैलून पे एक आती थी, हमारी बड़ी अच्छी क्लाइंट थी, उनसे मेरा बड़ा प्यार था, और सबसे पहले तो मैंने बताया मेरे अंदर एक एक्ट्रेस थी, आते ही मैंने उनसे कहा ना ये अंगूठियाँ मुझे पकड़ा दें, चेन मुझे दे दें, मैंने सारा उनकी ज्वेलरी वुलरी पहन लेनी, उनको मेकअप शेकअप करना तैयार करना। तो वो एक प्रोड्यूसर की वाइफ थी, तो वो अपने मियाँ को मुझे दूर से दिखा के गई। अब वो मुझे रोज़ आके कान में गई, मेरे मियाँ ने कहा मैंने सेलेक्ट कर ली है तो इसको बोलो कि ये काम करे। अब मेरे अंदर की हीरोइन तो जाग गई। उस जमाने में उन्होंने फिल्म बनाई थी मैडम बाबरी, मैडम बाबरी, मफरूर, सपनी, ये उन्होंने मूवीज़ बनाई थी।
मतलब उस दौर के अच्छे बड़े प्रोड्यूसर थे। खैर वो अब्बू को पता चला, अब्बू ने तो फिर पकड़ी जूती, मुझे बहुत मारा। नीचे सैलून के नीचे एक मेडिकल स्टोर था, मैंने वहाँ से नींद के पत्ते उठाए। अच्छा, यहाँ से मैंने जनाब पहले दिन तो मैंने ना जनाब 40 गोलियाँ खा ली। उफ, 40? मेरी बात सुने, फिल्म नहीं करनी थी आपने? नहीं नहीं, वो मुझे क्या पता था इससे बारी जाता है बंद। खैर मेरे अब्बू मेरे आगे हथियार फेंगे। फिर सबसे बड़ी खुशनसीबी की बात है कि मुझ पर कम अज कम 150 गाने जो हैं वो मैडम नूर जहान के। बोली में भी हमसे कोई बात कीजिए ना, कोई शेर सुना दीजिए। ऐसे टीवी के ऊपर ये आती है, पहले ये शुरू करें तो फिर मैं उनको कुछ बताऊं। अच्छा मैं पहले शेर सुनाऊं? आप ही कह रहे हैं। पखा चलदा हवा देंदा। वाह क्या बात है, तेरे सदके जावां। पखा चलदा हवा देंदा, कोई ऐसे ही बता रही है मुझे सदके, आप जा रहे हो। पखा चलदा हवा देंदा, बंद कर दे ते नहीं देंदा। वाह तेरे सदके, शुक्रिया शुक्रिया। शेर है के मौजदा है ये। अच्छा शेर, ये शेर फिर इसके लिए ठीक है। नहीं डॉक्टर ये देखें, ये बेईमानी है। ये मैंने आपकी नजर की है। हाँ। और देखे जो चीज आपने मांगी थी वो आपको मिल गई। अब आप सुना दीजिए थर की जबान में कोई खूबसूरत सा शेर, एक हमारी तरफ से भी शेर हो। हम जागे, ये थर की जबान है। तारों से करे बातें चांदनी रातें। अच्छा नरगिस आपसे रिक्वेस्ट है कि जरा मैडम जी की थोड़ी सी कोई स्टाइल, कोई एक्शन तो दिखाएं। मैडम नूर जहां की सुनना चाहते हैं तुसी? खैर मैडम मैं आपका बड़ा फैन हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया मैडम जी। मैं गाना गाना चाहती हूँ। क्यों, मैं सही नहीं गाती मैडम? मैडम जी मैं, अच्छा मैं फिल्मों में काम कर सकती हूँ क्या? अल्लाह ने जिथे तेन पाया इतने बैठी रह पड़ा, इतों अगे जाने की कोशिश ना कर पुत्र, जिन्ना तेरा कद है रुक जा उत्ते, अल्लाह नेड़े पैंदा बेटा। हमारे घर में कोई भी फंक्शन हो तो आपके ही नगमे सुनते हैं हम लोग। मेरी पूरी फैमिली आपकी बड़ी फैन है और मैं बहुत छोटा था जब से मैं आपका फैन हूँ। क्यों, तू चूचा बाबे जा? आप तेरी कलमा चिट्टी होंगे तो कहना मैडा जैसा। तेरे अर्गे बच्चे मेरे अब्बे ते दोस्त निकलते। मैडम जी साडे बुजुर्ग भी ताडे बड़े फैन सन। मरे आप तू बदला, तू पहले दा है। मैडम जी आपके इतने फैंस हैं, इतना यू नो आप पे जान छिड़कते हैं, आप क्या कहेंगी उनके लिए? मैं कुछ नहीं कहंदी, वो जो कहना होता है वो भी कहती। आप ही कह के। मैडम जी मेरी अम्मी ना लोरी में मुझे आपके गाने सुनाती थी। तेरी अम्मी आप मेरी दादी जी नहीं थी? बेटा मैं तो छोटियाँ छोटी चूचियाँ चूचियाँ ना बोलो, मुँह तो क्या गोडे अर्गे मुँह निकल। अच्छा मैडम जी मैं आप ही का गाना गाती हूँ, जरा आप एक्सप्रेशन लगा थोड़े से हमें दिखा दो, क्या ही बात है। खबरदार मैं अपना गाना अपनी तीनों नहीं कभी गा। मैडम जरा तुहाडा टिफिन पिया है जो दोन वाले मैं ला लूँ? नहीं बेटा है परेजी खाना, बल्कि तुसी बंदे दे मैं कार ले जाऊंगी, कार फ्रिज खाली। मुझे तो थोड़ा सा खिला दे मम्मी। आए मैं सदके जावां, जिन्हों जिन्नात भी अंकल कहने ने वो मैं मम्मी कह। बहुत फिट है मुताडा बेटे, सिंगर रूम चो बाहर निकल जाओ। मेरा दिल करदा तेरे नाल लाड करा पर थाने ले जाके।